ये डीओ भी इतने कहीं नहीं करने के लिए टीचर का अंदर कोई मानसिक साफ हो जाता है लग जाता है लेकिन जो भक्तों द्वारा पूर्व पश्चिम ना लिया अगर भक्ति इस सब चीज़ों का जो खेल लगता है ना तो बहुत से ऐसे धर्म किस तरह जो उनका निपटारा नहीं करता परिणाम क्या होता है पीछे नदी तो नदियों बहा देते हैं तो उसका क्या प्रश्न करता है ना तो उसी के निपटारे हम हर जगह मंदिर दर्शन जाते हैं उनको बताते हैं कि किस तरीके से इनको पत्नियों का निपटारा कर सकते हैं सबसे पहले अपना तरीका है कि कुछ अपने देश में बहुत ही बड़ी जो छोटी मंदिरें हैं है ना वो ये सब चीज़ों को निपटारा करने के लिए अपने बल पे है ना अपने ही तरीके से सरकार की मदद लिए बगैर मशीनें मंगवाई हैं और उसमें फूल पत्ती ये सब डाल देते हैं थोड़ी बहुत मिट्टी है गोबर डाल कर उसकी खाद बना देते हैं और बहुत सस्ती कीमत पर किसानों को जो है उपलब्ध करा देते हैं। हम कह रहे कि आप भी यहाँ पे अगर कोई मशीन लगवा सकें लगवाएंगे है ना उसमें फूल पत्ती डाल देंगे खाद बना देंगे या तो अपने बगल में बहुत ज़्यादा ही है तो भी फूल पत्ती निकलती है तो आप उसकी खाद बना लेंगे उसमें आप डाल दीजिए तो सड़ेगा तो खाद बन जाएगा ज़्यादा चल जाएगा है ना तो अपनी जो पुरानी जो अवधारणा है जो भी फूल पत्ती वगैरह निकलती है उसको नदी प्रवाहित करने से होती है तो हम उससे थोड़ा आगे हम ना जाए अगर हम डालते भी हैं तो हम नदी किसी एक कोई भी डाला लगा दें आप उसमें डाल दें है ना जिससे अपनी धारी आश्रम पूर्ण हो जाएगी और नदी शुद्ध भी होने से बन जाएगी बाद में उससे निकाल करके या तो बचाना भी दीजिए या तो मशीन डाल कर उसमें खाद बनाना शुरू कर दें या इतनी बड़ी चाहे कहीं भी निकाल चाहे जैसा खुल जाते हम उसी में डालते हैं अपने आप ही धीरे धीरे करके प्रकृति में मिल जाएगा काफ़ी हद तक निपटारा पा सकते हैं। दूसरा जो कभी जो भंडारा होते हैं है ना चाहे मंदिर की तरफ से किया जाए या बाहर से कोई आता है तो लोगों की आदत क्या होती है आजकल की वो सीधे दोना पत्थर इस्तेमाल करते हैं प्लास्टिक का जो खाए ना उधर देखे चले गए वो तो अपनी भक्ति करके पूरा चलेगा है ना लेकिन भगवान भगवान को गंदा कर रहे हैं तो ऐसे में क्या भगवान खुश होंगे नहीं हो उल्टा और नाराज हो जाए कि अपना कार्यक्रम किया खाया पिया तो पूरा और पूरा गंदगी किया चलता बना तो हम चाहते हैं कि आप मंदिर में जाए जितने भी लोग हैं कोई भी अगर आपसे आता है भंडारा कराने की बात रहता है तो आप उसके सामने एक शर्त रहती है कि अगर आप यहाँ भंडारा करेंगे और आपके द्वारा कोई भी कचरा निकलता है तो साफ करने की जिम्मेदारी आपकी है आप बिना साफ किए बगैर यहाँ भंडारा कर सकते हैं है ना। दूसरा अगर आप डिस्पोजल की जगह सोना पत्थर इस्तेमाल करें है ना पत्तों वाले वो ज़्यादा अच्छा है अगर वो ना भी फेंकेगा तो कहीं ना कहीं पड़ा होकर सड़ जाएगा घाट बन जाएगा है ना गाय वगैरह खाने की है ना इससे कह रहे गरीबों को भी लाभ मिलेगा क्योंकि अधिकतर लोग जाते हैं मार्केट से दोनों पत्थर खरीद या प्लास्टिक का यूज़ किया और फेंक दिया लेकिन जो खिलाड़ी गरीब है जैसे पत्थर से उसमें पत्थर बनाते हैं उनका रोजगार लगभग फेंक चुका है बीमा बैठे रह जाते हैं उनका बिकता नहीं मांगते है ना लेकिन अगर भंडारों में डिस्पोजल की बजाय दोनों पत्थर लगता है इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमारी जो हो जाएगी अभी बहुत लोग ऐसे करते हैं कि सरकार प्रतिबंध लगा दे फैक्ट्रियों में तो उनके भोजन बनाती है सरकार किसी का रोजगार नहीं मिल सकती क्योंकि आदमी की जो जागरूक का इस्तेमाल कम करते अपने आप ही सामान को बनाना बंद करते दूसरा सामान बनाना बंद करते हैं उसकी पैंट हमें अपने घर की खोज करनी है हम डिस्पोजल की बजाय दोनों पत्थर इस्तेमाल करें है ना वो आराम से साइकिल भी जाएगी खाए वगैरह उसे खा सकती है उसके प्रकृति को नुकसान देते हैं तो आप लोग और अखबार के बाजार बकायदा ही आवेदन
ये महापौर जी को है ना, यहाँ पे हमने डस्टबिन रखवा दी है स्वयं से या आप रखवाने की कृपा करें है ना। और पानी की जब चाहे डस्टबिन तो मेरा जो मीला के अलावे तो सब खुद आके यहाँ से कचरा उठा के लेके जाए, बस उसके लिए पहले हमें करें करें डस्टबिन रखना। हाँ वो कल नहीं भंडारा थे ना, कल गाड़ी वाले नहीं आए तो वो तो अपने अगर हम साफ सफाई की छोटी सफाई अपने धार्मिक स्थलों से करें तो अगर आप आज शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे अपने आप लोगों की आदत बन जाएगी है ना। जब पब्लिक किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद का खुद की दोनों पत्थर इस्तेमाल करेंगे, डिस्पोजल इस्तेमाल नहीं करेंगे है ना। अभी भी मान लीजिए डिस्पोजल वाली जो बात है बहुत सही बात है, मान लीजिए कि कम से कम 100 में से ज्यादा होता है तो डिस्पोजल उपयोग न करें, पत्थर ही पत्थर वाली पता नहीं कर दूंगा ये बहुत अच्छी तो हमें पत्थर की बात दे दी है। पॉलिथीन भी हमें मुक्त करना है ठीक है, पॉलिथीन ऐसी चीज है कि हम उससे इतना रस बस चुके हैं कि हम उससे पूरी तरह छुटकारा नहीं पा सकते, हम उसकी मात्रा में कमी ला सकते हैं है ना। अगर एक दिन एक व्यक्ति दिन भर में 10 पॉलिथीन बैग यूज़ करता है तो हम कोशिश यही करें कि हम 10 बैग यूज करके 5 या उससे भी कम करें है ना। अगर हम पॉलिथीन यूज करके भी तो उसको दोबारा यूज़ करें, पर यहाँ पे आज कल एक बार इस्तेमाल किया फाड़ के फेंक दिया, अगर फटी भी नहीं तो भी फेंक दिया, अगर उसमें कचरा पाया चलाए खाएंगे जानवर खाएंगे मरेंगे, ये भी नुकसान हो रहा है ना साइड। अपना देश जो है तो दिन में 50 करोड़ गाय पेड़ बेच रहे हैं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि डेयरी कम से कम 100-200 गाँव की मौत ना हो। हाँ केवल कोई जिंदगी सही है, मतलब पॉलिथीन की मात्रा को जब धीरे धीरे कम करें है ना। अपने कुछ जैसे आप जगन्नाथ मंदिर में हो गया है ना, पूरी भी और कुछ बड़ी बड़ी दुकान जितनी भी मंदिरें हैं वहाँ पे पॉलिथीन पूरी तरह से प्रतिबंधित हो चुका है, मंदिर में पन्नी में लाया गया प्रसाद ही अंदर जो है जाने नहीं दिया जाता, पहले से ही रोक लिया जाता है ना। या तो लोग दलिया में लेके आए अपना प्रसाद या तो फिर दोनों पत्थर में लेके आए, पर पॉलिथीन पूरी तरह से मना है ना। जो नारियल की चटा वगैरह होते हैं पहले आपने देखा होगा मंदिर के ऊपर नारियल तोड़े जाते हैं, उससे क्या होता है कि नारियल की वजह से बंद नारियल पानी की वजह से है ना, तो आप क्या नारियल नीचे टूटने लगे हैं, अब उस नारियल की चटनी का भी सदुपयोग होने लगा, उससे बकायदा रस्सी उसकी बन जाती है, सीधा पैक टूट चली जाती है। पहले तो क्या होता है कि नारियल तोड़े पानी जाकर खड़ा बंद गई और नारियल की चटनी को ऐसे फेंक दी, परिणाम क्या होता है पूरा का पूरा मंदिर खराब हो रहा है ना। अब उसी गंदगी को दूर करने के लिए एक छोटा सा उपाय कर दिया गया, नारियल ऊपर कोई जंगल लेके जा ही नहीं सकता नारियल नीचे ही तोड़नी पड़ती है, तो कुछ लोग सीधा फुटा फुटाया नारियल लेके जाते हैं तो वही पहल हमें भी यहाँ पे करनी चाहिए है ना। सबसे पहले तो यही कहेंगे कि आप जो एक बैनर टंगवाइए बाहर है ना, आदेश जारी कीजिए कि मंदिर परिसर में कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है तो दोनों पत्थर का इस्तेमाल किया जाएगा, डिस्पोजल नहीं इस्तेमाल की जाएगी है ना। और अगर आप करते भी हो तो उसे साफ करने की जिम्मेदारी आपकी है, आपको ही साफ करना पड़ेगा, वरना चरणात्मक कार्रवाई हो है ना। और मंदिर परिसर के अंदर पॉलिथीन लाना मना है ना, आप आदत बना लो धीरे धीरे अपने आप ही धीरे सुधरने चले जाएंगे, क्योंकि एक बार कोई बंदा आएगा पॉलिथीन लेके आप उसको मना करोगे तो दूसरी दिन कहीं ना कहीं कोई जान जाएगा कि हाँ पन्नी लाना मना है, तो पन्नी बार वो पन्नी में लेके आएगा ही नहीं, सोना पत्थर में लेके आएगा या तो खेलिया में लेके आएगा अपनी छोटी सी है ना। उसकी पहल आप लोग उसको कर देंगे है ना। हर जगह सरकार देख नहीं सकती है, हर जगह सरकार नहीं आएंगे ना, हमें अगर आपके देश को वाकई में साफ सुथरा करना है तो उसकी पहल हमें करें, हमें जैसे हम अपने खुद के मोहल्ले में घरेलू स्तर पर हमने प्रयास किया, पहले घर की जो और महिलाएं थी अक्सर आदत है पन्नी में पैक किया ऐसा सड़क में फेंक दिया, मैं एक बार बोला तो उनको शिकायत करने को गाली बोलने लगे, हमने करते रहिए जितना करना हो चुका है आप कहने की जरूरत नहीं है, अब उनकी आदत बन चुकी है खेलने वाला आता है सीधे कटना उसी में डालती है सड़क में बिल्कुल नहीं, या तो गलती से फेंक दो तो मैं चार बार सुना जगह जा ही नहीं सकता, लेकिन मैं शिकायत करना हूँ करते रहो उसके मेरी गली आज तक एकदम साफ सुथरी रहती है, कुछ समय क्या हुआ था कि उसमें ठंडे वाला आना बंद, हम लोग परेशान आदत बन चुकी है, अब क्या करें सब कुछ मुझ पर टूट पड़े,
आता ही नहीं है, हम भी परेशान थे भाई क्यों नहीं आता चिड़िया वाला। तो हमने सीखा, सबको बताया कि अगर नहीं आता है तो चार कदम की दूरी पर चलिए, बगल मार के जो डब्बा रखा है वहाँ पर फेंक दीजिए ना, जरूरी है कि छत टंगे टंगे या पचरा नीचे फेंको, तो जो धीरे धीरे वो भी आ जाता अपना हाथ में। पहल कर ही कर ली थी, थोड़ा टाइम लगता है पर एक कामयाबी जरूर है। इसी बात आप लोगों से करनी थी, आपने पहल की थी ठीक है, और ये पुराने हमने बहुत बजा है धार्मिक पुस्तक के सो अवसर पर एक पेड़ लगाने पर ही पौधा लगा सकते हैं।